हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एबीवीएसएन, जो कि कल UPSC EPFO का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं ए अल्फ़ाबेट से। ए डी का क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी। ए डी का क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी। ए डी सी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ए डी सी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ए आर पी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखो पी जहाँ दिख जाए तो या तो प्रोटोकॉल होगा या फिर क्या होगा, प्रोग्राम होगा। ASP एक्टिव सर्वर पेज। ASP एक्टिव सर्वर पेज। AH क्या होगा? एक्टिव हब। AH क्या हो जाएगा? एक्टिव हब। AI क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AL क्या होगा? एक्टिव लिंक। AL क्या हो जाएगा? एक्टिव लिंक। ALGOL क्या होगा? तो देखो ALGO से क्या हो गया? एल्गोरिदम। L से लैंग्वेज। तो ALGOL क्या होगा? एल्गोरिदम, एल्गोरिदम लैंग्वेज। ALU क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AM क्या हो जाएगा? एक्टिव मॉनिटर। AM क्या हो जाएगा? एक्टिव मॉनिटर। APCI क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। APCI क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। API क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। API क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ASCII क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM क्या हो जाएगा? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ATM क्या हो जाएगा? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ADF क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फोल्डर। ADF क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फोल्डर। अब आते हैं बी अल्फ़ाबेट। BINAC क्या होता है? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BINAC तो BIN से क्या हो गया? बाइनरी हो गया। A से ऑटोमेटिक हो गया, C से कंप्यूटर। तो BINAC क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BMP क्या होगा? बिटमैप। BMP क्या हो जाएगा? बिटमैप। BARC बार क्या हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BASIC बेसिक क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट आते हैं BCD। BCD क्या होगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCR क्या हो जाएगा? बार कोड रीडर। BCR क्या हो जाएगा? बार कोड रीडर। BIN क्या हो जाएगा? बाइनरी। बाइनरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? BIN। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B2P क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। B2P क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट। जो BIT होता है, बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट। BLOB क्या होगा? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। BLOB क्या हो जाएगा? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। BLOG क्या होता है? वेब लॉग। BLOG क्या होता है? वेब लॉग। BPI बाइट्स या बिट्स पर इंच। BPI क्या होता है? बाइट्स पर इंच या बिट्स पर इंच। BPS क्या होता है? बिट्स पर सेकेंड। BPS क्या होता है? बिट्स पर सेकेंड। BSNL ये तो कह दीजिए, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब आते हैं सी अल्फाबेट पे। CC क्या होता है? कार्बन कॉपी। CMOS CMOS का क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CAD का क्या होता है? CAD
कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी ए डी का क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लास का क्या होता है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। क्लास का क्या होता है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कोबोल का क्या होता है? सी ओ बी ओ एल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी डी क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सी ओ एम एल क्या होता है? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। सी पी यू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी आर टी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। सी आर टी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। सी एस एस क्या होता है? कैस्काडिंग स्टाइल सीट। सी एस एस क्या होता है? कैस्काडिंग स्टाइल सीट। सी यू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। सी यू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। सी यू ए क्या होता है? कंट्रोल यूजर एसेस। सी यू ए क्या होता है? कंट्रोल यूजर एसेस। सी टी सी पी क्या होता है? क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। सी टी सी पी क्या होता है? क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। सी डी आर क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सी डी आर क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सी डी रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी डी रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी डी आर डब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल किसका एब्रिविएशन होता है? सी डी आर डब्ल्यू का। सी डी आर हाइफन डब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीड या राइट। सी जी क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। सी डी क्या होता है? सी जी क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। सी जी आई क्या होता है? सी जी आई कॉमन गेटवे इंटरफेस। सी जी आई क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। सी ओ एम क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट मोड। सी ओ एम क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट मोड। सी एल आई क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। सी एल आई क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। सी एल आर क्या हो जाएगा? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सी एल आर क्या हो जाएगा? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सी डी ए में क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। सी डी ए में क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। आप आते हैं डी अल्फाबेट पे। डी ए सी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डी ए सी क्या होता है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डी ए पी क्या होता है? डायरेक्टरी एसेस प्रोटोकॉल। डी पी डाटा बेस हो जाएगा ये तो। और डी बी ए क्या होता है? डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डी बी ए क्या हो जाएगा? डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डी बी एम एस क्या होता है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डी सी सी क्या होता है? डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट। डी सी सी क्या होता है? डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट। डी सी एल क्या होता है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डी सी एल क्या होता है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डी एफ टी क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम। डी एफ टी क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम। डी एफ टी क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम। डी एफ एस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डी एफ एस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डी एच टी एम एल क्या होता है? डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डी एच टी एम एल डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डी एल एल क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डी एल एल क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डी एल पी क्या होता है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डी एल पी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डी एम ए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एसेस। डी एम ए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एसेस। डी एन एस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डी एन एस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डी पी आई क्या होता है? डॉट्स पर इंच। डी पी आई क्या होता है? डॉट्स पर इंच। डी आर ए एम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी।
बस रैम क्या किया, बस क्या लगा देना है, डायनेमिक लगा देना है, डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी। DRDO ये तो सबको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, दोनों होता है। DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। DSN क्या होता है, डाटा सोर्स नेम। DSN क्या होता है, डाटा सोर्स नेम। DTP क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DVD क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVDR डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। DVD-ROM क्या होता है, DVD रीड ओनली मेमोरी। DVD-ROM का क्या होता है, DVD रीड ओनली मेमोरी। DVD-RW का मतलब DVD रीराइटेबल। RW जहाँ भी दिखता हो क्या होता है, रीराइटेबल। DVR क्या होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DVR क्या होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अल्फाबेट ई पे आते हैं, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ई कमर्स इलेक्ट्रॉनिक कमर्स होता है। EDO क्या होता है, एक्सटेंडेड डाटा आउट। EDO क्या होता है, एक्सटेंडेड डाटा आउट। EDB क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDB क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDSSC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSSC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EGA क्या होता है, इन्हेंस्ड ग्राफिक एडाप्टर। EGA क्या होता है, इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENISE क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENISE क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EOF क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। EOF क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EXE क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल। EXE क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल। EDI क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EOL क्या होता है, एंड ऑफ लाइन। EOL क्या होता है, एंड ऑफ लाइन। अब आते हैं अल्फाबेट एफ पे। FAP क्या होता है, फोर्ट्रान असेंबली प्रोग्राम। FAP क्या होता है, फोर्ट्रान असेंबली प्रोग्राम। FAX क्या होता है, फार अवे जेरोक्स। FAX क्या होता है, फार अवे जेरोक्स। FDC क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FDC क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FDD क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर यहीं पे LIFO होता तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। फोर्ट्रान ये क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FPU क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FPU क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FS क्या होता है, फाइल सिस्टम। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FPS क्या होता है, फ्रेम पर सेकेंड। FPS क्या होता है, फ्रेम पर सेकेंड। FLOPS क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट
ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स का क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, एफएक्यू क्या होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, खैर तो आसान है। अब आते हैं अल्फ़ाबेट जी पे, जीबी से गीगाबाइट होता है, जीआईएफ क्या होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जीआईजीओ क्या होता है जीआईजीओ गैरबेज इन गैरबेज आउट, जीआईजीओ गैरबेज इन गैरबेज आउट, जीपीयू क्या होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू क्या होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीएसएम क्या होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम क्या होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीयूआई क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आते हैं एच अल्फाबेट पे, एच सी आई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, एच सी आई क्या होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, एच एल एल क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एच पी एफ एस क्या होता है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, एच पी एफ एस क्या होता है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, एच डी डी क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी डी क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एच एस एम क्या होता है एच एस एम क्या होता है हायरार्कियल स्टोरेज मैनेजमेंट, एच एस एम क्या होता है हायरार्कियल स्टोरेज मैनेजमेंट, एच टी एम क्या होता है हायरार्कियल टेम्पोरल मेमोरी, एच टी एम एल क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एच टी टी पी क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आते हैं अल्फाबेट आई पे, आई बी एम क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आई एस क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई एम इंस्टांट मैसेज, आई एम ए पी इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई एम ए पी इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। iOS क्या होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS क्या होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, IP क्या हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN का क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISOC इंटरनेट सोसाइटी, ISP क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISR क्या होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, IT क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आते हैं अल्फ़ाबेट जे पे, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, JPEG क्या होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, JRE क्या होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JS क्या होता है जावा स्क्रिप्ट, JSP क्या होता है जावा सर्वर पेज, JUG क्या होता है जावा यूजर्स ग्रुप। अब आते हैं के अल्फ़ाबेट पे, KB किलोबाइट ये तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, KVM स्विच किसे बोलते हैं कीबोर्ड वीडियो एंड माउस स्विच। अब आते हैं एल अल्फ़ाबेट पे, LAN क्या बोलते हैं इसे लोकल एरिया नेटवर्क, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LED लाइट इमिटिंग डायोड, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, LPI लाइंस पर इंच, LPI क्या होता है लाइंस पर इंच, और लिप्स क्या होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, लिप्स क्या होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, मैन का क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MBR क्या होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR क्या होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, मैक क्या होता है मीडिया एसेस कंट्रोल, मैक क्या होता है मीडिया एसेस कंट्रोल, MPEG क्या होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MPEG क्या होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप,
एमएमएस क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। एमएमएस क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। एमआईएमई क्या होता है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। एमआईएमई क्या होता है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। एमएसएन क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। एमएसएन क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। एमडीआई क्या होता है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एमडीआई क्या होता है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईएमओ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। एमआईपीएस क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एमआईपीएस क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एमआईडीआई क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एमआईडीआई क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब आते हैं एन अल्फाबेट पे। एनएफएस क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईओ क्या होता है? न्यू इनपुट आउटपुट। एनओएस क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओडीबीसी क्या होता है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओडीबीसी क्या होता है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओओपी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओओपी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओपीएमएल क्या होता है? आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप लैंग्वेज। ओपीएमएल आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप लैंग्वेज। ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएसएस क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएलई क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ओएलई क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब आते पी अल्फाबेट पे। पी टू पी पीयर टू पीयर। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पीएपी क्या होता है? पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसीएल क्या होता है? प्रिंटेड कमांड लैंग्वेज। पीसीएल क्या होता है? प्रिंटेड कमांड लैंग्वेज। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएल क्या होता है? प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। पीडीएल क्या होता है? प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। पीजीए क्या होता है? पिन ग्रिड एरे। पीजीए क्या होता है? पिन ग्रिड एरे। पीआईओ क्या होता है? पीआईओ प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। पीएलए क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। पीएल वन क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन। पीएनपी क्या होता है? प्लग एंड प्ले। पी स्मॉल एन होगा और कैपिटल पी होगा तो क्या होता है उसका? प्लग एंड प्ले। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स बोलते हैं। पीपीसी क्या होता है? पावर पीसी। पीपीएम क्या होता है? पेज पर मिनट। पीपीएम क्या होता है? पेज पर मिनट। पीपीपी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीटीपी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पीपीटीपी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पीरोम क्या होता है? प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSTN क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSU क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट। POST क्या होता है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब आते हैं क्यू अल्फाबेट पे। QDR क्या होता है? क्वाड डाटा रेट। QDR क्या होता है? क्वाड डाटा रेट। QFP क्या होता है? क्वाड फ्लैट पैक।
QoS क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, और QBE क्या होता है, क्यूरी बाई एग्जाम्पल। QBE क्या होता है, क्यूरी बाई एग्जाम्पल। अब R अल्फ़ाबेट पे आते हैं। RAM क्या होता है, रैंडम एसेस मेमोरी। RARP क्या होता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP क्या हो जाएगा, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RAT क्या होता है, रिमोट एसेस ट्रोजन। RAT क्या होता है, रिमोट एसेस ट्रोजन। RDBMS क्या होता है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RIP क्या होता है, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RIP क्या होता है, रूटीन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ROM रीड ओनली मेमोरी। ROMB क्या होता है, रीड आउट मदरबोर्ड। ROMB रीड आउट मदरबोर्ड। RPG क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RTOS क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOS क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTF क्या हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF क्या हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अब आते हैं S अल्फाबेट पे। SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SAN का क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SAN का क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SCSI क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI का क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SDL क्या होता है, SDL सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर। SDR क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNOBOL क्या होता है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SNOBOL क्या होता है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SP क्या होता है, सर्विस पैक। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SRAM क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एसेस मेमोरी। SVD क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड VLSI डिजाइन। SVD क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड VLSI डिजाइन। SNMP क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SIM क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आप आते हैं टी अल्फाबेट पे। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TDMA क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। TTA क्या होता है, ट्रू टैप ऑडियो। TTF क्या होता है, ट्रू टाइप फॉन्ट। TTS क्या होता है, टेक्स्ट टू स्पीच। TTS क्या होता है, टेक्स्ट टू स्पीच। TTY क्या होता है, टेली टाइप। TFT खैर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। TFT क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TB क्या होता है, टेराबाइट। अब आते हैं यू अल्फाबेट पे। UAC क्या होता है, यूजर अकाउंट कंट्रोल। UI क्या होता है, यूजर इंटरफेस। UL क्या होता है, अपलोड। UL क्या होता है, अपलोड। UPS क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। URI क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URN क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। USB क्या होता है, यूनिफॉर्म सीरियल बस। USB क्या होता है, यूनिफॉर्म सीरियल बस। ULSI क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UNIVAC क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UTP क्या होता है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। UTP क्या होता है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। अब आते हैं V अल्फाबेट पे। VAR क्या होता है, वेरिएबल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, VAR। VB क्या होता है, विजुअल बेसिक। VDD क्या होता है, वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। VGA क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VLAN क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VM क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी।
VMS क्या होता है? वीडियो मेमोरी सिस्टम। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VT क्या होता है? वीडियो टर्मिनल। VSNL क्या होता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। और VDU क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और VRAM क्या होता है? वीडियो रैंडम एसएस मेमोरी। अब आते हैं डब्ल्यू अल्फाबेट पे। WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। WAP क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। Wi-Fi क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। WiMAX क्या होता है? वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेज। तो वो इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप लोग खुद से पढ़ लेना। विंस क्या होता है? WINS विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्विस। WLAN क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WMA क्या होता है? वायरलेस मीडिया ऑडियो। WMB क्या होता है? वायरलेस मीडिया वीडियो। WPA क्या होता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एसेस। WPA क्या होता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एसेस। WWAN क्या होता है? वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। WWID क्या होता है? वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव। WLL क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप। WORM क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी। WORM राइट वंस रीड मेनी। अब आते हैं एक्स अल्फाबेट पे। XHTML क्या होता है? एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XNS क्या होता है? जेरोक्स नेटवर्क सर्विस। XML क्या होता है? XML यूजर इंटरफेस लैंग्वेज। Y से बस एक ही है, Y2K ईयर 2000। ZIFS क्या होता है? जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट। ZIP क्या होता है? जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ZISC क्या होता है? जोन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ZMA क्या होता है? जोन मल्टीकास्ट एड्रेस। ZNA क्या होता है? जोन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ZB क्या होता है? जेटाबाइट। और जॉब क्या होता है? JAW जीरो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विंडोज। तो ये था कंप्यूटर अवेयरनेस का एब्रिविएशन। एक से दो बार वीडियो देखने के बाद मैक्सिमम याद आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।